हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टुडे इज़ डे 6 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं लाइक IBPS, SBI, RRB, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं डेली के 15 टू 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आपके लिए ये बेनिफिशियल रह रही है। अगर रह रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर गेट अननोटिफाइड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल दिए गए हैं, डू लिंक विद अस ऑन देम। ऑल्सो अगर कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक आपको चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे जैसे हम रोज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिलॉग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सिलॉग्स में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो आई होप आज के सेशन से आपको वो कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मैंगो आर बनाना। स्टेटमेंट्स रीड आउट करेंगे और उनकी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ऑल बनाना आर कीवी, नो बनाना इज ग्रेप। अब मेरा कंक्लूजन कहता है दैट नो मैंगो इज ग्रेप, नो मैंगो इज ग्रेप। सारे के सारे मैंगोज बनाना में हैं, तो अगर कोई बनाना ग्रेप नहीं हो सकता तो कोई मैंगो भी ग्रेप नहीं हो सकता। तो मेरा कंक्लूजन 1 सही है। दूसरा कंक्लूजन मेरा कहता है सम कीवी इज मैंगो। ये पार्ट जो है कीवी का ये मैंगो के अंदर लाई कर रहा है, तो मेरा सम कीवी इज मैंगो इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स बोथ कंक्लूजन फॉलो। ओके, चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे जो कि आप सबकी स्क्रीन पे आ गया है। ओनली अ फ्यू कैरेट आर रेडिश का मतलब है कि कुछ कैरेट ऐसी है जो कभी भी रेडिश नहीं हो सकती। सारा का सारा पोर्शन चाहे रेडिश में चला जाए बट ये पोर्शन जो होगा ये कभी भी रेडिश में नहीं जाएगा। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है नो रेडिश इज कैप्सिकम। तो ये मैंने वेरन डायग्राम बना ली अपनी स्टेटमेंट्स की, उसके बाद मैं कंक्लूजन्स देखूंगी। सम कैरेट आर कैप्सिकम, तो क्या मुझे इन डायग्राम में कोई रिलेशन दिख रहा है? जब डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो मेरा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो गलत होगा। सेकेंड कंक्लूजन बोलता है ऑल रेडिश आर कैरेट। क्या आपको इस डायग्राम में पूरी रेडिश कैरेट के अंदर जाती हुई दिख रही है? ये है कैरेट और ये है कैप्सिकम। तो क्या आपको सारी की सारी रेडिश कैरेट के अंदर जाती हुई दिख रही है? अगर ये पॉसिबिलिटी का केस होता तो उस केस में ये कंक्लूजन सही होता, बट यहाँ पे हमको डेफिनेटली पूछा गया है तो सेकंड कंक्लूजन भी मेरा गलत है। तो इसमें क्या आएगा? नन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है एंड दीज आर रिविजन क्लासेस। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इट सेज ओनली अ फ्यू कैट आर डॉग। ओनली अ फ्यू कैट आर डॉग, तो अगेन कुछ कैट ऐसी है जो डॉग नहीं हो सकती। ओनली अ फ्यू डॉग आर ईगल, तो कुछ डॉग ऐसा है जो कभी भी ईगल नहीं हो सकता। इसके बेसिस पे मुझे कंक्लूजन पूछे गए हैं सम ईगल इज नॉट डॉग। तो आप मुझे बताओ सम ईगल इज नॉट डॉग, क्या ये कंक्लूजन सही है? मैं बताती हूँ कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं है। अगर मैं ईगल को यहाँ ड्रॉ ना कर करके अगर मैं ईगल को यहाँ ड्रॉ करती तो क्या ये क्वेश्चन मेरा गलत होता? बिल्कुल गलत नहीं होता, क्योंकि उसने मुझे ये बोला है कि पूरा का पूरा डॉग वाला पोर्शन ईगल में नहीं जा सकता, बट पूरा ईगल वाला पोर्शन तो डॉग में जा सकता है। इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो अगर वो मुझे बोल रहा है दैट सम ईगल इज नॉट डॉग, तो इस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो गया कि वो गलत है, पूरा का पूरा ईगल डॉग में जा सकता है। तो मेरा कंक्लूजन 1 क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट कंक्लूजन है मेरा सम कैट इज ईगल। कैट और ईगल में मुझे कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे नहीं पता कि कोई कैट ईगल है या नहीं है। तो मेरा सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो करके
none follows. Okay? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज few guests आर नॉट न्यू. तो ये जो गेस्ट्स हैं ये न्यू नहीं है. मतलब ये न्यू हो सकते हैं, बट एक पोर्शन डेफिनेटली ऐसा है जो न्यू नहीं है. ऑल न्यू आर ग्रेट. इसके बेसिस पे मुझे कंक्लूजन पूछा गया है, ऑल गेस्ट्स कैन बी ग्रेट इन अ पॉसिबिलिटी. कि सारे के सारे गेस्ट ग्रेट में जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं, ये आ गया मेरा ग्रेट, ये आ गया मेरा गेस्ट. मुझे बोला गया है कि कुछ गेस्ट जो हैं वो न्यू नहीं हैं, तो क्या ये डायग्राम मैंने गलत बनाई है? आई डोंट थिंक सो. तो सारे के सारे गेस्ट जो हैं वो ग्रेट में जा सकते हैं, तो इसलिए मेरी पहली पॉसिबिलिटी जो है वो सही होगी. ठीक है, दूसरा मेरा कंक्लूजन बोलता है सम न्यू आर गेस्ट. मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं बताया गया कि कुछ गेस्ट जो हैं वो न्यू है या नहीं है. मुझे बस ये बताया गया है दैट सम गेस्ट्स आर नॉट न्यू. ठीक है, तो इस केस में जो मेरा सेकंड कंक्लूजन है वो गलत होगा. मतलब ओनली वन फॉलोज. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है. सम डोर्स आर मैट्स, ओनली अ फ्यू मैट्स आर रैट्स. अगेन कुछ मैट्स ऐसे हैं जो रैट्स नहीं हो सकते. कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं? सम डोर्स आर रैट्स. डोर्स और रैट के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत. दूसरा, नो डोर इज अ रैट. जब मुझे कोई रिलेशन ही नहीं पता तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि सम है या नो नहीं है? तो इसलिए मेरा सेकंड कंक्लूजन भी गलत. अब अगर आप ध्यान से कंक्लूजन्स को पढ़ो तो दोनों जो उसमें थे, डोर्स और रैट्स, वो दोनों सेंटेंस में आपको दिख रहे हैं, और नो आया है एक में और सम है, जबकि ये दोनों जो हैं इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. तो जब दोनों कंक्लूजन अपनी अपनी जगह पे गलत हैं, दोनों में सेम ही कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो मेरा क्या ऑप्शन आता है? आइदर और वाला. ठीक है, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए और दोनों कंक्लूजन्स में दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए. उसमें अगर डोर और रैट की बात की गई है तो दूसरे में भी डोर और रैट की बात कही गई है. एक में नो है, एक में सम है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं. तो इस केस में मेरा जो कंक्लूजन है, मेरा जो ऑप्शन है, वो मैं क्या मार्क करूंगी? ईदर वन और टू. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर गिवन है. सम स्टेट्स आर लॉकडाउन, सम ग्रीन आर स्टेट्स. तो ये आ गई मेरी वेनन डायग्राम. कंक्लूजन्स देखते हैं. सम स्टेट्स आर ग्रीन, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सही. दूसरा ऑप्शन मेरा है सम लॉकडाउन इज ग्रीन. तो मुझे लॉकडाउन और ग्रीन के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो मैं इसको गलत मार्क करूंगी. थर्ड बोलता है नो ग्रीन इज लॉकडाउन. ग्रीन और लॉकडाउन में कोई रिलेशन नहीं, तो मुझे नहीं पता कि कोई ग्रीन लॉकडाउन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता. तो आप देख रहे हो कि सेकंड और थर्ड में ग्रीन और लॉकडाउन दोनों में गिवन था, और एक में सम था, एक में नो था. तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं? तो इसलिए ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये मेरा क्यों ऑप्शन देंगे? ईदर टू और थ्री. और अगर आप ऑप्शंस देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो जो थर्ड ऑप्शन है मेरा, कंक्लूजन वन एंड ईदर टू और थ्री, मुझे फॉलो होता हुआ दिख रहा है. तो मेरा क्या ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी माय आंसर. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है या आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो डू कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेल अस. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू ई आर डी. अगेन ई का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कभी भी डी में नहीं जा सकता. सम ई आर एन.
कंक्लूजन गिवन है सम एनआरई, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मेरा सम एनआरडी सही होगा। दूसरा कंक्लूजन है सम ई आर नॉट डी, तो ये पोर्शन, ये जो स्फीयर है ये वैसा वो ई है जो कभी भी डी में नहीं जा सकता, तो इसलिए सम ई आर नॉट डी जो है वो सही हुआ। तो मेरे ऑप्शंस क्या फॉलो होंगे, बोथ फॉलोज। ठीक है, तो आज के सेशन में सिलोगिज्म के इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है डू आस्क अस। तो आगे अब हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सम अल्फाबेटिकल सीरीज। ये हमने पहले के सेशंस में भी पढ़ी है कि कुछ वर्ड्स आपको दिए गए होते हैं 5 to 6 और आपको वेरियस डायरेक्शंस दी गई होती हैं कि हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है और अपना आंसर मार्क करना है। तो क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर गिवन है, वर्ड्स क्या दिए गए हैं, की टी पे यूज मैड, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वर्ड्स जो हैं हमेशा लॉजिकल दिए गए हों। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या करने को बोलता है, इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन द गिवन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन अ वर्ड देन हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद अ वॉवल। अगर मैं इन सबको अरेंज कर दूँ इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वे में तो कितने वर्ड्स जो हैं वो वॉवल में एंड करेंगे। इसको अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, ई के वाई, ए ई टी, ए पी वाई, ई एस यू, ए डी एम। तो कितने वर्ड हैं आपके, सिर्फ 1 वर्ड है जो कि एक वॉवल से ख़त्म, वॉवल पे ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, उसमें मुझे क्या डायरेक्शन बोला गया है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे वुड अपेयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हमें सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड बताना है, तो क्या मैं सारे वर्ड्स अरेंज करूं, नहीं मेरे को सिर्फ 2 वर्ड अरेंज करने हैं। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, इनमें से सबसे पहला वर्ड आएगा की वाला, बिकॉज के जो है इन सब में सबसे पहले आता है। उसके बाद मैड जो है वो डिक्शनरी में सेकेंड नंबर पे होगा, बिकॉज जे के एल एम, फिर उसके बाद पे, उसके बाद टी, इसके बाद यूज। मुझे बताना है डिक्शनरी से लेफ्ट टू राइट एंड पे सेकेंड वर्ड कौन सा होगा, तो इट विल बी मैड विच इज माई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ द सेम वर्ड देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर उठा के मैं लास्ट लेटर के पीछे प्लेस कर दूं तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। की में अगर मैं के हटा के ई वाई के कर दूं इट मेक्स नो सेंस, टी को अगर मैं यहाँ कर दूं ई ए टी इट विल मेक सेंस, यहाँ पे ए वाई पी विल नॉट मेक सेंस, एस ई यू विल नॉट मेक सेंस, ए डी एम विल नॉट मेक सेंस। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ऐसा वर्ड आएगा जो कि सेंस बनाएगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5 जो है कि ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर गिवन है विच इज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द 3rd लेटर ऑफ द 4th वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये लिखी है मैंने हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज, यहाँ पे 3rd लेटर ऑफ द 4th वर्ड, 4th वर्ड मेरा लेफ्ट एंड से ये है, इसका 3rd लेटर है ई, और किस किस के बीच में, एंड 2nd लेटर ऑफ द 3rd वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, 1, 2, 3 इसका 2nd लेटर विच इज ए। तो मुझे क्या बताना है, ए के बीच में और ई के बीच में कितने वर्ड्स, कितने अल्फाबेट्स आते हैं, तो बी सी एंड डी ओनली 3 लेटर्स जो हैं वो आते हैं ए और ई के बीच में, तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे,
क्या है? If M is added at the end of each word, then how many meaningful words can be formed? अगर मैं हर वर्ड के पीछे M लगा दूं, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं वो बनेंगे? की के आगे M लगा दूं, कोई वर्ड नहीं बनता। टी के आगे M लगा दूं, तो इट मेक्स टीम, विच इज अ मीनिंगफुल वर्ड। पे के आगे M लगा दूं, अगेन नो मीनिंगफुल वर्ड, नो मीनिंगफुल वर्ड, नो मीनिंगफुल वर्ड, तो ओनली वन meaningful word will be formed, and so my option will be option number 3. ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है एक डायरेक्शन सेंस बेस्ड। हमने आगे भी क्वेश्चंस किए हैं डायरेक्शन सेंस पे, आज भी हम एक डायरेक्शन सेंस की पजल उठाएंगे और उसके बेसिस पे 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टार्ट डूइंग इट विद अस। आरती स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ई, ये मैंने ई पॉइंट ले लिया और यहाँ से आरती स्टार्ट हो रही है, एंड गोज 7 किलोमीटर नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर जा रही है, 7 किलोमीटर जा रही है टू रीच पॉइंट एफ, एंड देन शी टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जी। उसके बाद आफ्टर रीचिंग पॉइंट जी शी टर्न्स राइट एंड गोज 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एच। जी से वो राइट की तरफ टर्न हुई और वो 3 किलोमीटर चली और वो कहाँ पहुँची? एच पॉइंट पे। तो ये पॉइंट मेरा क्या पॉइंट हुआ? एच पॉइंट हुआ। उसके बाद एंड देन अगेन शी टर्न्स राइट एंड गोज टू पॉइंट आई विच इज 9 किलोमीटर्स अवे। यहाँ से उसने राइट मुड़ना है तो वो यहाँ मुड़ेगी। वो 9 किलोमीटर चली कहाँ पहुँचने के लिए? आई पहुँचने के लिए। उसके बाद आफ्टर रीचिंग आई शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जे। यहाँ से वो लेफ्ट हुई और वो 4 किलोमीटर चली टू रीच पॉइंट जे। ओके, ये था आपका डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन दी गई थी, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखो। अब देखो, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू जे। जे यहाँ है, जी यहाँ है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो जी जे के यहाँ पर है तो वो कौन सी डायरेक्शन हुई? वो हुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विच विल बी नॉर्थ ईस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू ई। जे जो है वो ई के रिस्पेक्ट में कहाँ है? अब ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस 7 था, यहाँ पे हमने 3 चलाया, फिर ये इसके लेफ्ट में गया और फिर इसने 4 चला, तो 4 और 3 हमारे 7 होता है जो कि इसके बराबर है। तो मतलब जे जो है वो ई के बिल्कुल कौन सी साइड पर है? वेस्ट साइड पर है, बिल्कुल वेस्ट साइड पे है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? वेस्ट, और डिस्टेंस बताना है। ये मेरा टोटल कितना है? 9 किलोमीटर्स। ये कितना है? 4 किलोमीटर्स। तो जब मैं 9 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरा ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 5 किलोमीटर। तो वेस्ट के डायरेक्शन में है जे ई के और कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ई आई। यहाँ से कोई पर्सन स्टार्ट हो रहा है एंड गोज 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ गया एंड देन टर्न्स राइट एंड कीप वॉकिंग। यहाँ से वो राइट हुआ एंड ही कीप्स वॉकिंग, देन विच आर द पॉसिबल पॉइंट्स ही वुड क्रॉस। यहाँ से वो चला, अब वो राइट चलते जा रहा है, तो वो कौन से पॉइंट्स क्रॉस कर सकेगा? पहला है जी और एच। जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो अगर वो राइट चलते जा रहा है सीधा तो क्या वो एच को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एफ और ई। एफ तो क्रॉस करेगा बट क्या ई क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एफ और जे। जे को तो वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है जी और एफ। तो जब वो राइट चलते जा रहा है तो क्या उसके रास्ते में एफ और जी दोनों लाई कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एफ जी, विच इज माय ऑप्शन। विच इज माय ऑप्शन नंबर 4।
तो आज के लेक्चर में हमने 6 to 7 क्वेश्चंस जो थे वो सिलॉगिज्म के देखे, 3 क्वेश्चंस हमने डायरेक्शन सेंस के देखे और 5 क्वेश्चन हमने किसके देखे, अल्फाबेटिकल सीरीज के देखे। तो ऑल इन ऑल हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं आज 20 मिनट में, वो भी टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है बिकॉज आपके साथ एंगेज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज अगर आप घर पर बैठे सॉल्व कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू मोर देन 7 to 8 मिनट्स जितने क्वेश्चन हमने आज अपने अभी के सेशन में कर लिए। तो अगर आपका सेशन हेल्पफुल लगता है तो डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर विद योर पीयर्स ताकि हमारी वीडियोज उन तक पहुँचे। ऑल्सो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट विच इज़ एट कच्ची छावनी जम्मू, 4th क्लास के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर किसी को भी नीड है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं एंड हैव अ नाइस डे।